सेहत इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्क लैब इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच। मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहाँ बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। अब पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कब्ज़ के बारे में और इससे कैसे छुटकारा पाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है हमें खुजली क्यों होती है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते समय एक बड़ी गलती कर रहे हैं। रितेश ललन टॉप के व्यूअर हैं, 25 साल के हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया, काफी खफा थे। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से उनको कब्ज की शिकायत है। सारे घरेलू नुस्खे उन्होंने ट्राई कर लिए हैं पर आराम नहीं मिला है। अब हाल ये है कि वो अपनी पसंद की चीजें नहीं खा पा रहे हैं, पेट में उन्हें दर्द हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा, उनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि हम कब्ज पर एक एपिसोड करें। बहुत ही आम परेशानी है पर वाकई एक बड़ी परेशानी है। और सिर्फ रितेश ही नहीं, और भी कई लोगों ने कब्ज को लेकर चिंता जताई है, इसलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कब्ज होने के पीछे असली वजह क्या है और इसके वो लक्षण जो आपको एकदम इग्नोर नहीं करने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में जनरली पेशेंट को हफ्ते में एक या दो बार ही टॉयलेट होता है। ये टॉयलेट काफी हार्ड होता है, पेशेंट को काफी प्रेशर लगाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, और टॉयलेट करने के लिए काफी समय तक पेशेंट वहां पे बैठा रहता है, और इतना होने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अब कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है? जनरली कॉन्स्टिपेशन 50 ईयर्स के बाद में बहुत से लोगों को होता है, और 70 ईयर्स के बाद में 20-30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह से फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के समय भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों के डाइट का पैटर्न जो रहता है उसमें फाइबर जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम होते हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उसी तरह से शरीर में हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा पानी का कम पीना, नॉर्मली हम 1-1.5 लीटर तक पानी पीते हैं, अगर उससे कम हम पानी पीते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। उसी तरह से लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कम एक्सरसाइज करना, ज़्यादा समय तक बैठे रहना, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको टॉयलेट आया तो भी वो काफ़ी समय तक उसको रोक के बैठे रहते हैं, ऐसा करने से भी लोगों को आगे जाके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह से कुछ डिसीजेज है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइड है जिसमें थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज जैसे पार्किंसनिज्म, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ आतड़ियों की बीमारियां होती है जैसे कि आतड़ी में सिकुड़न हो जाना, स्ट्रिक्चर हो जाना, उसी तरह से बड़ी आंत का कैंसर हो जाना, उसी तरह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज और ट्यूबरक्लोसिस, इन कारणों से भी कुछ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयां जैसे कि डायुरेटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो बीपी के लिए लेते हैं, उसी तरह से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो साइकेट्रिक बीमारियों के लिए लेते हैं, मॉर्फिन जो पेन के लिए लेते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत से लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन के लिए आगे जांच कराना पड़ता है। इन लोगों को जनरली कुछ वार्निंग साइंस सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए आगे जांच कराने की जरूरत होती है। तो ये वार्निंग सिम्टम्स होते क्या है? वार्निंग सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन लंबे समय के लिए होता है, कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, जैसे टॉयलेट के अंदर ब्लड आता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हल्का सा लंबे समय तक बुखार चलता है, पेशेंट का वजन कम हो जाता है,
और इन सब के साथ में जिनका उम्र 50 साल से ज्यादा होता है, इन लोगों को आगे जांच कराने की जरूरत जनरली गिरती है। ये तो हुई बात वजहों की, पर हमें से कई लोग कब्ज को सीरियसली नहीं लेते और ये बड़ी गलती है। कब्ज से जुड़े कई ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर अचानक कब्जियत बन गई है और गैस भी नहीं निकल रही, उल्टियाँ हो रही है, पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से मिलिए। ये गंभीर समस्या हो सकती है। वजन घट रहा है, भूख कम लग रही है, या आपके शौच का आकार या घनता में भारी बदलाव आया है, तो एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कब्जियत के इलाज की। पहला, व्यायाम करें। कम से कम 10 से 15 मिनट मॉर्निंग वॉक ही कर लीजिए। इससे आपकी आंतड़ियों की चालना बढ़ेगी और शौच निकलने में आसानी होगी। दूसरा, अगर सुबह आपको प्रेशर नहीं बनता तो खाली पेट शौच जाने की बजाय नाश्ता कर लीजिए या गुनगुना पानी पीजिए, फिर शौच को जाइए। हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदा करें। पानी ज़्यादा पीजिए, इससे आपकी शौच सख्त नहीं होगी। यदि वेस्टर्न कमोड में शौच में समस्या हो रही है तो भारतीय स्टाइल का कमोड इस्तेमाल कीजिए। या ये नहीं हो सकता तो वेस्टर्न कमोड के सामने स्टूल रखिए और पैर अपने उस पर रखिए और सामने की तरफ थोड़े से झुक जाइए। इससे शौच निकलने में आसानी होगी। अगर एक दो हफ्ते में राहत ना मिले तो जांच जरूर करवाइए, क्योंकि कब्जियत गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। इलाज तो आपने सुन लिया, पर अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना है। आपको खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी जान लीजिए। आपके हर रोज के खाने में 20 से 30 ग्राम तक फाइबर होना जरूरी है अगर आपको कब्ज को दूर रखना है। इसके लिए पालक मेथी जैसी हरी सब्जियां, कद्दू टिंडा जैसी सब्जियां, अनार सेब खरबूज जैसे फल, ये आप नियमित सेवन कर सकते हैं। और एक काफी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अगर आप अपने अन्न को अच्छे से ज्यादा देर तक चबाएंगे तो हमारे मुंह में जो पाचक रस रहते हैं वो ठीक से घुल मिल जाएंगे हमारे अन्न में और उसका पचन ठीक से होगा और हम कब्ज को दूर रख सकते हैं। अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत कब्ज है तो आप रात को सोने के समय दिन भर पानी में भिगोए हुए अंजीर रात को खा के आप सोइए। अगर आप चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ती है, वो हमारे शरीर में से ज्यादा पानी बाहर फेंक के हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, उससे भी कब्ज की तकलीफ बढ़ सकती है। बेवक्त खाना खाना, दो खाने में बहुत ज्यादा अंतर रखना, पानी कम पीना, इससे भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। अपनी डाइट में इन चीजों का ध्यान रखिए। और अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। खुजली कभी सोचा या अचानक क्यों होने लगती है? एक्चुअली कई सालों तक साइंटिस्ट ये मानते रहे कि दर्द और खुजली ये दोनों बहनें हैं, यानी एक ही चीज है, बस इंटेंसिटी का फर्क है। खुजली में बहुत हल्का सा दर्द महसूस होता है और वो इतना हल्का होता है कि हमें दर्द का सही एहसास नहीं होता। पर समय के साथ साइंटिस्ट ने ये माना कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। खुजली आपके शरीर की अलग नर्व्स महसूस करती है, यानी तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं दर्द महसूस नहीं कर रही हैं। आसान भाषा में समझें तो खुजली एक जनरल सेंसेशन है। आपके स्किन के सेल्स या वो सेल्स जो आपकी नर्व्स बनाते हैं और आपकी स्किन से जुड़े हुए हैं, उनमें इरिटेशन होती है, एक एहसास होता है और तब आपको खुजली महसूस होती है। ये बहुत इरिटेटिंग तो होता है पर एक काफी जरूरी सेंसेशन है, एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी खुद के बचाव के लिए होने वाली शरीर में कोई एक्टिविटी। ठीक वैसे ही जैसे छूना हो या फिर दर्द हो या ठंड हो या फिर गर्मी महसूस होना हो। एक और बात, जब खुजली महसूस होती है तो आप खुजलाते भी हैं, तब जाकर आपको बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि खुजलाने का ये जो एक्शन है, ये एक सिग्नल भेजता है आपकी ब्रेन को, एक मैसेज। आपकी ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करने में लगती है और उसका जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, यानी वो कहीं और फोकस करने लगती है और आपको खुजली का एहसास होना बंद हो जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक मस्त सी हेल्थ टिप। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी काफी आसान तो कर दी है, पर इसके अपने नुकसान भी हैं, जैसे कि माइक्रोवेव। बड़े कमाल की चीज है, खाना रखा, बटन दबा दिया, कुछ सेकंड बाद अपने आप खाना गर्म हो गया, मस्त। पर अक्सर बाहर रखा खाना या फिर रात भर फ्रिज में रखा खाना
कुछ सेकंड गर्म करके खा जाते हैं हम लोग, पर अगर आप खाना ढंग से हीट नहीं कर रहे हैं तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। साइड से तो खाना जल्दी गर्म हो जाता है और आप उसे माइक्रोवेव के बाहर निकाल लेते हैं, पर अगर बीच में ढंग से गर्म नहीं हुआ है या ठंडा रह गया है तो नतीजा है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो आपके खाने में हो जाती है और फिर क्या होगा, फूड पॉइजनिंग। अब जब आप गैस पर खाना गर्म करते हैं तो पूरा बर्तन जो है वो बराबर गर्म होता है और उसमें रखा खाना भी, इसलिए ये ज्यादा सेफ है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप माइक्रोवेव में खाना गर्म मत करिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीच में जो खाना है वो गर्म हुआ है या नहीं। जब तक वो ना हो जाए तब तक उस खाने को मत खाइए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।